सो दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो MPDD के थ्रू आपको मिल सकते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जिनको बच्चे प्रायोरिटी पर रख रहे हैं या ठीक ठाक इंस्टीट्यूशंस हैं, या हम बोल सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट है और नाम है इनका, क्योंकि कुछ में प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, कुछ में पढ़ाई अच्छी होती है, कुछ से बच्चे अच्छे निकलते हैं। सो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन हैं उनकी हम बात यहाँ इस वीडियो में करेंगे। आखिर तक इसको आपको देखना है ताकि आपको भी पता चले कि क्या क्या इंस्टीट्यूशंस को आप प्रेफर कर सकते हैं अपनी रैंक के आधार पर। बाकी हम जो बताएं आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, प्रेडिक्टर की लिंक है, जिसमें आप अपनी रैंक पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, कौन सी स्पेशलाइजेशन, कौन से इंस्टीट्यूशंस की। दूसरी मेंटोरशिप का प्रोग्राम है जो हम केवल लिमिटेड बच्चों को ही प्रोवाइड कर पाएंगे, कुछ ही बच्चों को, ताकि उनके लिए चॉइस फिलिंग जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को लेने के लिए, उसको हम गाइड कर पाए, वीडियो कॉल, फोन कॉल और जितनी क्वेरीज हैं उन सबको रिजॉल्व करें उस पर्टिकुलर बच्चे को मेंटोरशिप प्रोग्राम के थ्रू। सो उसको अवेल करना नहीं भूलना है, क्योंकि हम गिने चुने बच्चों को ये प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही साथ अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है, सो स्टेट काउंसलिंग की कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे यही लिंक में, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अब इनको अवेल आपको करना है ताकि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को आप अवेल कर पाए, अपने लिए फ्यूचर बना पाए। अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है तो हम हैं सपोर्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। सो इसको ज़रूर देख लीजिए। फिलहाल हम बात गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की करने वाले हैं, कौन कौन से मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो बच्चे प्रायोरिटी पर रखते हैं, सो उनके लिए हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आखिर तक देख ले। सबसे पहले ये कुछ नाम है जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे SGS ITS के नाम है। वैसे स्मॉल नाम ही लेते हैं बच्चे SGS ITS, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, श्री गोविंद राम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी GS ITS, इंदौर का है, जाना माना शुमार नाम है और बच्चे प्रेफर करते हैं। सच्चाई यही है कि अगर MPDD में काउंसलिंग होगी और अच्छी रैंक है आपके पास, तो सबसे पहले बच्चे प्रेफर करेंगे SGS ITS को। और क्यों कर देंगे? क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, पुराना इंस्टीट्यूशन है, जाना माना नाम है। मतलब कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन की बात करें तो NIT के लेवल का ये GS ITS है। हाँ, सो बच्चे प्रेफर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा है IET DAVB, हाँ DAVB देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, जिसका IET इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये एक डिपार्टमेंट है जिसको बच्चे प्रेफर कर लेते हैं। इसके बाद ये भी इंदौर में ही सिचुएटेड है और ठीक है, नाम अच्छा है, कुछ प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स, कुछ ब्रांचेस ठीक हैं अच्छे। इसके बाद अगर देखें तो JEC का नाम आता है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना। फिर आ जाता है माधव MITS, जिसको बोलते हैं ग्वालियर का है। UIT RGPB भी है, ठीक है, RGPB यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर भैया अगर आप देखें तो अलग अलग नाम मिल जाएंगे, उज्जैन का, सती विदिशा का है, सती यानी सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो ये ऐसे नाम है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो आ जाता है धोखे से, हाँ, क्योंकि UIT BU के नाम हो जाता है, UIT RGPB भी फेमस है और उसके कारण UIT BU के बच्चे ले लेते हैं एडमिशन। सो बरकतुल्ला भी है गवर्नमेंट, इसलिए इसका नाम है। अब इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सागर का है, ठीक है। सो ये सारे के सारे नाम है। इसके अलावा रीवा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है, कॉलेज भी है, जो कि एक इंस्टीट्यूशन ठीक ठाक है कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए। इन सब की हम बात डिटेल में करेंगे कि क्या कैसा है, एक बेसिक ओवरव्यू, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब क्या है, बच्चा ओवरऑल MP से बिलोंग कर रहा है तो वो MP को जानता, मुझे नहीं लगता अभी 12th पास की है कि इतना जानते होंगे आप। 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 52 डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से अलग अलग ज्योग्राफी में आपको कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूशन होगा, क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए, वो सारी जानकारी के लिए क्या है कि मेंटोरशिप का प्रोग्राम है पूरा का पूरा, जिसमें हम आपको एक एक चीज़ से लेके गाइड करेंगे। वीडियो कॉल हो, फ़ोन कॉल हो, आपकी काउंसलिंग में कैसे क्या आपको चॉइस फिलिंग करनी, कैसे इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट करना है, कौन सी स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेस्ट हो सकती है, किस जगह पर कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट रहेगा, अलग अलग क्वेरीज जो रहती हैं बच्चों की, छोटे छोटे आ जाते हैं डाउट्स और वो परेशान हो जाते हैं उनको लेके। सो वो सारे रिजॉल्व करने का काम भी हमारी टीम आपके लिए करने वाली है। ये मेंटोरशिप का प्रोग्राम रहेगा और कुछ ही बच्चों को हम ये दे पाएंगे, इसीलिए इसको क्या करना है, आपको अवेल कर लेना है जल्दी से जल्दी, ताकि आप उस लिस्ट में रहें कि अवेल कर पाए। अदरवाइज़ फिर क्या है, प्रेडिक्टर का एक ऑप्शन है जिसमें बस आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, इस रैंक पे क्या इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा वो आप चेक कर सकते हैं। सो वो एक ऑप्शन ले सकते हैं। और अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है, सो उनके कोर्सेज की लिंक भी नीचे मिल जाएगी, वो सब चेक कर लीजिए, आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है सब अवेल। बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस है, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम अवेल ना कर पाए, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले GS ITS की बात कर लें, मतलब GS नहीं, SGS ITS बोलते हैं, लेकिन जनरली उसको GS ITS ही बोलते बच्चे। तो ये GS ITS नाम पुराना है, हाँ, जाना माना नाम है, इंदौर में सिचुएटेड है, 1952 में स्टैब्लिश हुआ था ये इंदौर में,
और इंदौर में जैसे स्टेशन से उतरेंगे थोड़ा सा आगे जाके आपको, हाँ वो इसी रेंज में सामने ही स्टेशन निकल जाता है, अभी तो नया स्टेशन बन गया, उसके सामने ही इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा और बच्चे आपको घूमते फिरते मिल जाएंगे। देखिए कैंपस बहुत बड़ा नहीं है लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी है। अच्छी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि NIT के लेवल का आता है, कुछ ब्रांचेस इतनी बढ़िया हैं कि अच्छे अच्छे पैकेजेस पर बच्चे निकलते हैं। सो प्रेफरेंस जो है बच्चों की, फर्स्ट प्रेफरेंस ये GSIDS की रहती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, या फिर कहीं भी हम बात कर लें ऑल टोटल MP के अंदर बात करें। सो यहाँ पे फ़ी भी बहुत ज़्यादा है नहीं, ऐसी नहीं है कि भाई हम अफोर्ड ना कर पाए। जी हाँ, 30-35 हज़ार की फ़ीस सेमेस्टर वाइज है यहाँ, और ये डिपेंड करती है कोर्सेज टू कोर्सेज, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जी मीन्स के हाँ एग्जाम के बेसिस पे MPDD काउंसलिंग के थ्रू हमको एडमिशन यहाँ पर मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी के लिए हमें 12th क्लास मिनिमम 45% रहने चाहिए। जी हाँ ठीक है। IAS पैकेज की बात कर लें तो यहाँ पर 44 लाख का पैकेज IAS गया था, शायद CS के लिए नहीं गया था। हॉस्टल फ़ी भी बहुत ज़्यादा ऐसी है नहीं, 28 हज़ार कुछ फीस एक सेमेस्टर की, यानी अगर हम देखें तो 50-60 हज़ार एक सेमेस्टर का है, 1.25 लाख करीब एक साल का आपको ये खर्चा पड़ जाता है। Into 4 कर लीजिए तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला, 6-7 लाख में आपकी इंजीनियरिंग हो जाएगी और प्लेसमेंट के ठीक ठाक रिकॉर्ड्स हैं। ठीक ठाक ऐसे कि हम तो यहाँ हाईएस्ट की बात करें, ऑन एन एवरेज भी 5-6 लाख का पैकेज बच्चों को प्रोवाइड हो जाता है। सो जितना हमने इन्वेस्ट किया वो हमारा रिटर्न हो जाएगा। ROI के तौर पे भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन आप चेक कर सकते हैं। बस क्या है आपकी रैंक क्या है उसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और रैंक ही इंपॉर्टेंट है। सो उसको चेक करने के लिए प्रेडिक्टर का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा हम देखें IIT DAVP। जी हाँ, ये भी इंदौर का ही इंस्टीट्यूशन है, अच्छा नाम है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के अंदर एक इनका डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो IIT उसको बोलते हैं। और ये DAVP में थोड़ा सा आगे है, मतलब ये इंस्टीट्यूशन आगे खंडवा नाके पे कुछ है जगह वहाँ पे पड़ता है, उससे अपन को फ़र्क नहीं पड़ता है, इंदौर में ही, और नाम शुमार है, अच्छा है। कुछ जगह पे जैसे CSIT में इनके ठीक ठाक प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स हैं। देखिए सो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन 1996 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। जी हाँ, मतलब बहुत पुराना तो नहीं है लेकिन ठीक है, नाम कम समय में इन्होंने अपना बढ़ा लिया है क्योंकि गुणवत्ता इन्होंने बना के रखी, क्वालिटी बना के रखी। इंदौर मध्य प्रदेश 44 हज़ार कुछ एक सेमेस्टर की फ़ीस है पहले सेमेस्टर की, फिर कुछ कम हो जाती है क्योंकि पहले कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है। दूसरे सेमेस्टर में कुछ 38 हज़ार कुछ फ़ीस हो जाती है, फिर धीरे 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 आप चलेंगे तो इनका जो हॉस्टल फ़ीस है वो भी ज़्यादा नहीं है, 22-23 हज़ार रुपये की फ़ीस है हॉस्टल फ़ीस, और एवरेज पैकेज देखें तो 7-7.5 लाख का इन्हें ऑन एन एवरेज पैकेज बताया है, जो ठीक है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ भी तो 6-7 लाख में आपकी पूरी इंजीनियरिंग कम्प्लीट हो जाएगी, रहना खाना पढ़ना आपके एक्स्ट्रा खर्चे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि आईली मतलब है तो इंदौर अच्छा शहर MP में बात करें तो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि खर्चीला टाइप का हो, ठीक है। आगे बात करें हम यहाँ, वैसे तो हमें JEC की बात करनी चाहिए, माधव हम बाद में बात करेंगे, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज रामी ग्रामी इंस्टीट्यूशन है और पुराना भी है, साथ ही साथ कुछ ब्रांचेस के लिए तो बच्चे प्रेफर करते हैं, जबलपुर में एस्टैब्लिश्ड है 1947 आज़ादी के समय का ये इंस्टीट्यूशन है। सो नाम भी उन्होंने अपना बना के रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पे पैकेजेस की बात कर ले, पढ़ाई की बात कर ले, सुविधाओं की बात कर ले, इंजीनियरिंग में है इस इंस्टीट्यूशन में सारी सुविधाएँ। फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम है इसलिए भी बहुत सारे बच्चे इसको प्रेफर कर लेते हैं, हाँ बहुत कम फ़ीस स्ट्रक्चर है, सच्चाई यही है। सो भी बच्चे प्रेफर करते हैं तो आप देख लीजिए आपके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ देखें अगर इनकी फ़ीस की तो देखिए एक सेमेस्टर की 14 हज़ार रुपये की फ़ीस है, 28-30 हज़ार रुपये एक साल की, यानी 1.25 लाख रुपये पे तो आपकी चारों साल की फ़ीस खत्म हो जाती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हॉस्टल फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 हज़ार रुपये हॉस्टल फ़ीस एक सेमेस्टर का लगता है। सो मतलब ये मान के चलिए 2-2.5 लाख में आपकी इंजीनियरिंग कवर हो जानी है पूरी की पूरी, और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इनके पैकेजेस की बात करें हाईएस्ट पैकेज ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा 40-45 लाख का ही जाता, 18-20 लाख का इनका हाईएस्ट पैकेज है, ऑन एन एवरेज 4-5 लाख का पैकेज है, 6 लाख भी पहुंच जाता है, डिपेंड करता है कुछ अलग अलग कोर्सेज में। सो बच्चे प्रेफर करते हैं क्योंकि खर्चा कम है, ROI के माध्यम से यहाँ पर रिटर्न बहुत अच्छा है, सो बचे प्रेफर कर लेते हैं। इसके अलावा बात करें फिर MITS माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये ग्वालियर का इंस्टीट्यूशन है और ग्वालियर तो भैया सिंधिया की नगरी है और उन्हीं के नाम पे, हाँ माधव राव सिंधिया के नाम पे ये माधव इंस्टीट्यूशन नाम रखा गया है। ग्वालियर में है, 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था इसको, और इनकी फ़ीस थोड़ी सी ठीक है, हाई फीस है बोलते हैं, 80 हज़ार के करीब एक सेमेस्टर की फ़ीस इनकी है, साथ ही साथ यहाँ हॉस्टल फ़ीस भी 50 हज़ार करीब है, तो लगभग 1.25 लाख 2-2.5 लाख करीब
एक साल का आपको पड़ जाता है। लेकिन बात ये है कि हाँ, ये भी ठीक ठाक पैकेजेस दे देते हैं। हाइस्ट पैकेज इनका एक करोड़ का चला गया था, तो भी बच्चे प्रेफर कर लेते हैं। हाँ, उस जोन के जो बच्चे हैं बुंदेलखंड रीजन के, या फिर वो जो बाउंड्री वाले हैं यूपी एमपी वाले, वो बच्चे प्रेफर करते हैं। चंबल वाले क्षेत्र के बच्चे प्रेफर करते हैं, और आप भी कर सकते हैं प्रेफर, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स ठीक ठाक हैं। MITS को बच्चे चूज़ करते हैं, है ना। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का टैग तो है ही, साथ ही साथ नाम भी अच्छा है। सो एक ये आपके पास ऑप्शन है, नहीं तो फिर भोपाल में आ जाइए। UIT RGPB आपकी यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और उनका एक डिपार्टमेंट है, ये अलग से इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, सो इसको UIT के नाम से जाना जाता है। अभी बता दें तो इनके कुछ और इंस्टीट्यूशन UIT के नाम से अलग अलग जगहों पे, शहडोल हो गया, शिवपुरी हो गया, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन UIT RGPB के एफिलेटेड और उनके खुल गए हैं। लेकिन आप फिलहाल इसको प्रेफर करें, ये पुराना इंस्टीट्यूशन है और ऑटोनोमस बॉडी है ही। 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी ठीक है, अच्छी है, बहुत ज़्यादा है नहीं। एक साल की फ़ीस मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 30-35 हज़ार करीब की फ़ीस है। हाँ, ये साल भर की फ़ीस है, सेमेस्टर लिखा ज़रूर है, साल भर की फ़ीस है। और इनका अभी हॉस्टल फैसिलिटी भी स्टार्ट हो गई पिछले 2-3 साल से, पहले नहीं था, लेकिन अभी गर्ल्स के लिए था, बॉयज़ के लिए नहीं था, अभी बॉयज़ वाला भी हो गया ओपन। सो वो भी बहुत ज़्यादा है नहीं, 5-6-7 हज़ार करीब, 6-7 हज़ार करीब फीस है एक सेमेस्टर वाइज, तो कुल मिला के अच्छा है। इनके डिपार्टमेंट्स की बात करें तो ECCSIT ये थोड़े से तवज्जो वाले हैं, जहाँ पे ठीक ठाक बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाते हैं। हाँ, सो ये ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं अगर भोपाल रहना चाहते हैं कैपिटल सिटी के तौर पर। एक ऑप्शन UEC का भी है, मतलब उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, और उज्जैन में ही है, महाकाल की नगरी है, ऑब्वियस सी बात है, नाम जाना माना शुमार है। सो ये भी अच्छा ऑप्शन है, आपको पास में इंदौर मिल जाता है। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 35-40 किलोमीटर दूर इंदौर है, घूमना फिरना हो जाता है, वो सारी चीज़ें। ये ऑप्शन आप रख सकते हो, 1966 का है, इनके भी ठीक ठाक रिकॉर्ड्स हैं अगर देखें फीस स्ट्रक्चर की, तो 24-25 हज़ार की फ़ीस है एक साल की, साथ ही साथ यहाँ पे हॉस्टल फीस भी 2-3 हज़ार रुपये की है, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं है, 1.5-2 लाख रुपए में आपकी बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग कवर हो सकती है। सो उसको चूज़ कर सकते हैं, 3.5 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज है। यहाँ पे रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में है भैया, रीवा बघेलखंड में आता है और राजधानी हुआ करता था, अच्छा खासा ऑप्शन है, पास में आपको जबलपुर मिल जाएगा, ठीक है। सो 1964 में ये इंस्टीट्यूट क्या है, इस्टेब्लिश्ड हुआ था, और ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर अगर देखें तो लगभग 2 लाख रुपए करीब जो है वो चारों साल में आपका फ़ीस स्ट्रक्चर हो जाता है, चारों साल की ही है याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हॉस्टल फ़ीस डिपेंड करती है क्या कैसा, DTE के थ्रू ही आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा, और 45% मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ऑन एन एवरेज पैकेज की बात करें, 4-5 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज है, तो देख लो भैया यहाँ बहुत ज़्यादा आपको हाँ खर्चा नहीं लगने वाला। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन, इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, अच्छे हैं। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ये भोपाल में ही है, और UITBU के नाम से इनका इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का। तो UIT RGPB और BU, RGPB के कारण BU की सीटें भर जाती हैं, और सच्चाई यही है, इनकी लेट लतीफ़ी का काम है। हाँ, बहुत ज़्यादा 170-180 टोटल 4 साल की फ़ीस स्ट्रक्चर है, और इनको हॉस्टल फ़ीस वगैरह भी आप देख सकते हैं अलग से। बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है सच्चाई में बताऊं तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराती है, लेट लतीफ़ी में नाम शुमार है BU का। तो देख सकते हैं अगर आप भोपाल ही रहना चाहते हैं और जा रहे हैं तो फ़ीस ठीक है ठाक है, पढ़ाई लिखाई पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बोल सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। फिर एक ऑप्शन आपके पास अच्छा ऑप्शन BU से पहले भी आप रख सकते हैं, सती विदिशा, है ना। सती विदिशा मतलब सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सती बोलते हैं उसको, और विदिशा में सिचुएटेड है, और विदिशा अगर देखें तो 40-50 किलोमीटर है भोपाल से, तो पास ही पड़ जाता है, और अच्छी खासी लोकेशन से घूमने फिरने के हिसाब से, और ठीक ठाक है। इनका करिकुलर भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के मामले बात करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें, सो बढ़िया है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं अगर उसके आस पड़ोस में आप बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग कर रहे हैं। सो ठीक है, फ़ीस स्ट्रक्चर पे अगर देखें तो इनकी कुछ फ़ीस ऐसी हैं, ईयरली देखें पहले तो पहले साल ज़्यादा लग जाती 86 हज़ार करीब, क्योंकि अलग अलग एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, उसके बाद कम होती चली जाएगी, 67-69 थाउजेंड जो है आपकी एक साल की फ़ीस आपको पड़ेगी। यहाँ हॉस्टल फ़ीस की बात कर लें तो वो भी 30 हज़ार करीब है, यानी कि ये मान लीजिए कि 4-5 लाख रुपये में आपका पूरा 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी, रहना खाना पड़ना, एक्स्ट्रा खर्चे आपके इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पैकेजेस कुछ कुछ ब्रांचेस में अच्छे हैं, 11-12 लाख तक के हाईएस्ट पैकेज गए। ऑन एन एवरेज की बात कर लें तो 4-4.5 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज है, सो रिवर आपको जो हमने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न भी लगभग आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देख सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है। इसके अलावा सागर से अगर करना चाहें, सागर भी बुंदेलखंड में है ऑब्वियस सी बात है, और
इंदिरा गांधी कॉलेज, ये भी पुराना इंस्टीट्यूशन है अगर हम बात करें तो, एज़ कम्पेयर टू बाकी के इंस्टीट्यूशन 1980-81 का ये इंस्टीट्यूशन है और इन्होंने नाम करके रखा है और प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स ठीक है, ठीक मतलब ऐसा नहीं कुछ ब्रांचेस के लिए ठीक है, बाकी तो गवर्नमेंट है इसलिए चल रहा है। इनके फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा है नहीं, 25-30 हज़ार रुपये की फ़ीस है एक साल की और अलग अलग हॉस्टल फीस भी, हॉस्टल हैं अवेलेबल, देख सकते हैं आप, बस अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं सारी चीज़ें। 4 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज इन्होंने बताया हुआ है और बहुत सारी कोर्सेज हैं। बाकी यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं क्योंकि बुंदेलखंड वाले बच्चे प्रेफर कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को, सो देख सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन क्या है। मेजर सिटीज़ के ऑप्शन है और ये इंस्टीट्यूशंस वैसे ही है, चाहे हम भोपाल की बात करें, इंदौर की बात, जबलपुर, ग्वालियर है ना, रीवा, इंदौर, रीवा, सागर, सागर के अलावा उज्जैन, उज्जैन के अलावा विदिशा, ये सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो थोड़ी थोड़ी डेवलप्ड हैं एमपी में और अच्छी हैं, कैपिटल से लेके बढ़िया मल्टी बोल सकते हैं, वो क्या चल रही है, वो मेट्रो सिटीज़ इनको बोल सकते हैं और डेवलपिंग सिटीज़ हैं। सो इनको बच्चे प्रॉफर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं या फिर चाहते हैं कि यहाँ इंस्टीट्यूशन में मिल जाए हमें एडमिशन। आपके लिए भी ये ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी रैंक पे, और आपकी रैंक क्या है ये डिपेंड करती है कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन मिल सकता है, कौन सी स्पेशलाइजेशन मिल सकती है, वो चेक करने के लिए नीचे प्रोडक्टर की लिंक दे दी गई है, जी हाँ, जो कि आप चेक कर सकते हैं आपकी रैंक पे क्या ऑप्शंस होंगे। इसके अलावा मेंटोरशिप, अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है घर परिवार में, सो हम हैं आपके लिए, मेंटोरशिप का प्रोग्राम कुछ ही बच्चों को हम इसमें ये प्रोग्राम दे पाएंगे जिसमें हम ही सारी चीज़ें आपको आपके लिए करवा सकते हैं कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसके अलावा आपको क्या मिल सकता है, कैसी चॉइस फिलिंग करनी है, किसको कहाँ रखना है, कैसे करना है, सारे के सारे डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे, वीडियो कॉल, फ़ोन कॉल के माध्यम से आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करी जाएंगी ताकि आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल पाए आपकी रैंक पे। साथ ही साथ अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन्होंने काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दी, सो उनकी काउंसलिंग के कोर्सेज भी आप परचेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी लिंक दे दी गई है। दोस्तों को शेयर भी कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए और भैया चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि सारी जानकारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कॉलेज कोर्स, करियर सभी यहाँ आपको सबसे पहले मिलेगा। सो भाई इस वीडियो में हम बात किसकी कर रहे थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की जो मध्य प्रदेश में MPDD के थ्रू आप ले सकते हैं, और भी ऑप्शंस हैं सच्चाई यही है, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को लिए हैं जो पैरामीटर्स पे खड़े उतरते हैं, इसके अलावा भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.